और हो सकता है केदारनाथ भी जाए, हो सकता है। मेरी शादी की डेट है 19। तू खुश लग नहीं रही मुझे, मुझे तेरी याद है। Hey everyone, welcome back to my new vlog. आज ना मेरे पास दो न्यूज है, एक बहुत सैड है और एक बहुत मस्त न्यूज है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें सैड न्यूज बताता हूँ कि रूपाली चंडीगढ़ से चली गई। पता नहीं अब कितने दिनों के लिए गई है, 2, 4, 5, 10, 20, 25, एक महीना, कुछ नहीं पता वो कितने दिनों के लिए गई है। पर वो सडनली उसका प्लान बना और वो घर चलेगी, और मतलब गई नहीं है, आज जाने वाली है, मैं भी जाऊँगा उसके पास। और सेकेंड न्यूज, सबसे बेस्ट न्यूज ये है कि मैं भी कल या फिर परसों अपने गांव जा रहा हूँ, उत्तराखंड जा रहा हूँ। तो जो जो लोग कहते हैं कि आप अपना गांव दिखाओ, अपने गांव में कितनी हॉर लोकेशंस है वो दिखाओ, कितनी जगहें हैं घूमने वाली, पहाड़, अपने गांव की लाइफ दिखाओ कैसी है, तो परसों या फिर कल हम अपने गाँव के लिए निकल जाएंगे। रूपाली निकल जाएगी अपने घर, हम निकल जाएंगे अपने घर गाँव में। तो बहुत मज़ा आने वाला है, बट मुझे दुख बहुत हो रहा है कि यार अब कितने दिनों के लिए रूपाली गई है, इसका कोई आइडिया ही नहीं है। बुरा तो लग रहा है, पर ठीक है, अगर मैं भी यहाँ पर से चला जाता तो वो भी यहाँ पर बोर होती, तो लकीली वो भी चलेगी, ठीक ही है। पर वो कितने दिनों के लिए गई है ये पता नहीं, अब शायद जल्दी आ जाए तो बेटर है, अदरवाइज पता नहीं। पर हम जा रहे हैं 15-20 दिन के लिए अपने गाँव, 10 दिन तो लगाएंगे। चलो फिलहाल अभी ना रूपाली के पास चलते हैं, वो निकलने वाले हैं, उनकी कैब आने वाली है, तो सबसे पहले उसके पास चलते हैं, कभी पता लगा मैं वहाँ के लिए लेट हो जाऊँ। तो पहले रूपाली के पास चलते हैं। अभी मैं रूपाली के घर तो पहुँच गया, अब मैं डायरेक्ट ऊपर ही जा रहा हूँ क्योंकि वो आज निकल रहे हैं, तो वो नीचे तो क्या ही करने आएगी, तो मैं ही ऊपर जा रहा हूँ। फिर आधे घंटे में शायद से यहाँ से निकल जाएंगे, फिर अपन लोग भी घर चलेंगे। अभी मैं भी नीचे आ गया, मेरा ये रेनकोट आया था, ये रूपाली के पास था, मैंने ये ले लिया, और ये भी रेडी हो चुके हैं बस घर जाने के लिए। बढ़िया, रूपाली का भाई पूरा फुल ऑन खुश है। हाँ। कि वो घर जा रहा है, क्योंकि वो बुला रहे हैं क्या? नहीं भाई, वो बहुत दिनों बाद घर जा रहे हैं ना, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश है। तू खुश लग नहीं रही मुझे, मुझे तेरी याद आ गई, तेरे को मेरी याद इसे आएगी मेरी याद। पर चलो ठीक है, अभी तुम्हें कहीं ड्रॉप करना है? तुझे नहीं आती तो क्या किसी को भी नहीं आती? मुझे तो आती है रूपाली, सबको ही पता है। तूने तो अंकित बोला था तुझे चैन मिलेगा। चैन मिलेगा? देख चैन तो मिलेगा, उसमें तो नो डाउट चैन तो मिलेगा, पर याद आएगी वो अलग कंसर्न। क्या चैन मिल रहा है, याद भी क्यों कर रहा? याद तो अलग चीज है ना, पर चैन तो मिलेगी। भाई भी आ गया, चलो अब मैं इनको थोड़ा ड्रॉप कर देता हूँ, फिर उसके बाद अपन लोग घर निकलते हैं। चलो ओके गाइस, आराम से करना सफर। ओके बाय 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 बाय, चलो ओके। तो चलो इनको मैंने ड्रॉप कर दिया, अब मैं भी निकलता हूँ। गर्मी इतनी आज, इतनी गर्मी बता भी नहीं सकता कितनी गर्मी। ये खुशबू और शिवानी का वेट कर रहे हैं, जो इनके गैंग के मेंबर्स हैं, ये सारे एक साथ ही जा रहे हैं। चलो ओके बाय बाय। ओके बाय, तू गई नहीं? चल ठीक है, ओके बाय। तो ये लोग भी यहीं पे बैठे हैं, उनको दिखाता हूँ। तो मम्मी और भाभी क्या हाल चाल है, पहले तो ये बताओ। बहुत ठीक है। बहुत ठीक है। हाँ। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि मम्मी शादी की डेट रिवील कर दे, ये शुभ कार्य तू कर दे। क्यों, पापा ने बताया तो है तेरे को? अरे मेरे को तो बता दिया मम्मी, सबको, ऑडियंस को। ऑडियंस को भी? हाँ। पापा बताएंगे? पापा तो अभी ऑफिस गए, पापा कैसे बताएंगे? तू ही बता दे फिर। ये शुभ कार्य एक शुभ बंदा करेगा तो पापा करेंगे। अरे यार बता दे यार, एक तो इतना परेशान करते। मम्मी बता दे, ये तो पापा बोलेंगे यार। यार मैं एक क्लिप लेना चाहता हूँ अपना, शादी की डेट निकल गई, पापा ने बता दिया, अब तो सिर्फ बताना है। तो अब बताना तो तू ही बता दे, तेरे को पता है तो। मम्मी बता क्यों नहीं रही है? मम्मी तू बताएगी, अब तू ही बताएगी। मैं बोल तो रही हूँ कि पापा बताएंगे। पापा ने मुझे बता तो दिया, पंडित जी से पूछ के कौन सी डेट फिक्स की है, तो वो पापा बताएंगे। भाभी आप बताओ, बता दू? भाभी से पूछ रही हूँ, बता दो कोई भी। यार मेरी शादी की डेट है 19 नवंबर। नहीं यार नहीं, अच्छा हाँ 19 नवंबर है। नहीं कंफ्यूज हो गई। अरे नहीं मैं 19 मई बोलने लगा था, 19 नवंबर मुझे तो इसमें तुम इसे कितनी जल्दी है। अरे नहीं मैं तो इसलिए बोल रहा था, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो आगे मई 6 महीने और भी। हाँ। नहीं इस नवंबर, इस मई की बात कर। एक और करेक्टर आ गया, तू हीरा आ गया घर का। एक द्रोणी तो अभी मानेगा नहीं, मैंने मम्मी को कहा कि शादी की डेट मम्मी रिवील करेगी, भाई मम्मी ने बताया ही नहीं।
बताया ही नहीं मैंने कहा एक शुभ बंदा बताएगा डेट और मम्मी ने बताया नहीं मैंने कहा पापा बताएंगे पापा ये भगवान भाई एक ही बात है इसको बता दो यार हीरे को मेरे को कुछ नहीं पता लगता भाई मुझे भी डेट बता दो कब की निकली हीरे को पता नहीं मम्मी बताएगी हीरे की डेट निकलेगी हाँ हीरे हीरे को मम्मी बताएगी मम्मी बता हीरे को डेट हीरा को भी हीरा की भाभी बताएगी भाभी क्या डेट निकली डेट है 19 नवंबर कितने महीने रह गए बहुत कम रह गए कितना टाइम रह गया पाँच जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में है ना yes. पांच महीने मेरे पास सिर्फ और सिर्फ तेरे पास क्यों फिर से जाके बॉडी बनानी पड़ेगी ना इसकी बॉडी नहीं बन रही है सब हो गया दुनिया इधर की उधर होगी इसकी बॉडी नहीं बन रही है पर मेरी शादी को अब मतलब डेट तो निकाल दिया पंडित जी ने बता दी थी पापा को पापा ने हम सबको बता दी 19 नवंबर तो अब 19 नवंबर के लिए तैयारी वगैरह कुछ कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो भाई करेंगे ना क्या करेंगे कल से शुरुआत हम काम बांटेंगे नहीं मतलब काम पहले तो हम लिस्ट बनाएंगे ठीक है कि हमें क्या क्या करना है जैसे क्या होता है शादी में कपड़े होते हैं डेकोरेशंस होती हैं मिठाइयाँ होती हैं लोगों कार्ड्स होते हैं वेन्यू होता है ये बात तो हम सब एक एक महीने में एक एक काम करेंगे मम्मी और रानी डर गई क्योंकि हम आए चार यहाँ पर बंदे मम्मी अकेली हमने तो ऐसा कुछ करा नहीं था हम तो एक साथ ही करते मम्मी और रानी डर गए सारा काम 5 महीने पहले नहीं मतलब पहली शादी थी ना घर की पहली शादी थी तो अब तो हमें पता लग गया क्या क्या होता है और कर दिया मम्मी बहुत बता दे कि अब मम्मी की प्रमोशन हो चुकी है मम्मी मैनेजर बन चुकी है अब मम्मी मैनेज करती है काम मम्मी मैनेजर बन चुकी है मैनेजर अब मम्मी मैनेजर हीरा हीरा का हीरा ही रह गया और आधे लोगों को ना ये नहीं पता लगता कि हीरा का मतलब क्या है हीरा हीरे वाला हीरा नहीं डायमंड नहीं वो तुमने वो देखे सूर्यवंशम सूर्यवंशम में वो नहीं होता हीरा ठाकुर जो सारे घर के काम करता है और उसको कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं देता वो वाला हीरा वो वाला नहीं नहीं गलत बोल रहा है सारे देते हैं क्यों नहीं देंगे इंपॉर्टेंस भैया की शादी फिक्स हो गई बाबू जी ने मुझे नहीं बताया तो यार बड़ा मजा आएगा भाभी और भाभी आपके लिए कुछ कमेंट्स आए थे आप कुछ बता रहे थे हाँ गाइस अगर आप चाहते हो ना मैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल खोलूं तो ये हाँ तो सही है ना अच्छे से हीरा साथ देगा हाँ हीरा साथ देगा और आप ना मुझे बता सकते हो कि मैं किस चीज के ऊपर खोलूं मतलब कुकिंग के ऊपर या मेकअप के ऊपर या फिर डेली व्लॉग्स जो भी आपको तो जो भी सजेशन तुम देना चाहते हो वो दे सकते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है खुला मैदान है अपने आगे कमेंट्स का क्या चलाते रहो नहीं बाण चला दो बता दो कि कौन से वाला चैनल खोलना चाहिए भाभी को और हाँ मैं तुम सबको बताना तो भूल ही गया हम सब गांव जा रहे हैं और वहाँ हम क्या क्या करने वाले हैं भाभी हम बोलो क्या हुआ शर्म आ रही है बताओ हम क्या क्या एक्टिविटीज करने वाले हैं वहाँ करेंगे हम ना एक तो जंगल में जाके मैगी बनाएंगे और हम जंगल में घूमने जाएंगे और हम करेंगे वहाँ पे ट्रैकिंग करेंगे हॉरर स्पॉट्स को एक्सप्लोर करेंगे और वहाँ पे हॉरर स्टोरी टाइम भी करेंगे वो अंकित के दूसरे चैनल पे आएगी yes. और हम और हो सकता है केदारनाथ भी जाए हो सकता है तो जो जो इस चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आगे बहुत मस्त मस्त व्लॉग्स आने वाले हैं तो अभी वैसे हम कल निकल जाएंगे होपफुली ये लोग कल निकल जाएंगे और मैं और अनूप परसों आएंगे और भाभी ये सब आएंगे परसों तो हम सारे जा रहे हैं बहुत मजा आने वाला है कल ये जाएंगे देहरादून मेरे घर पे रुकेंगे भाभी और के घर पे जा रहे हैं मैं रॉनी और मतलब एक दो जाएंगे और फिर ये उससे अगले दिन आएंगे पर बहुत मजा आने वाला है तो जो जो चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मिस मत करना तो आज के लोग यहीं पे एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाय टेक केयर